नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर सर आपका आपके अपने इस YouTube चैनल RD क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर खबर निकली हुई है बरेली के अमर उजाला अखबार में, BEd प्रवेश परीक्षा आज रात तक जारी हो सकता है रैंकिंग। ठीक है, और रैंकिंग के साथ साथ इसमें रिजल्ट भी जारी होगा, मीन्स आपका बारह अंक लगने के बाद आपका स्कोर कितना है और उस स्कोर के साथ कट ऑफ कितना है, कितनी रैंक पर कितना रैंक मिली है, कितने नंबर पर। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कितने कॉलेज लॉक कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि कमेंट में, सर कितने कॉलेज लॉक कर सकते हैं। दूसरा, रैंक और रिजल्ट आज घोषित होगी तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि इसमें क्या क्या होगा और आगे प्रोसेस। उसके बाद बात करेंगे कितने रैंक तक आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज और कितनी रैंक तक प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, कितने नंबर पर कितनी रैंक आपकी बन सकती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे बॉय और गर्ल के बारे में, मीन्स इनका रिजर्वेशन कितना है सीटों पे। ठीक है, इस वीडियो में हम कई एक चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, आ जाइए बात कर लेते हैं कि आपको दिखा देते हैं कहाँ कहाँ निकला हुआ। देखो, ये तो हमारा था अमर उजाला का, इसके बाद अगर बात करें तो ये देखिए BEd का फाइनल रिजल्ट आज, ठीक है, ये निकाला हुआ है दैनिक जागरण में। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये अमर उजाला का पेपर है जिससे हमने कटिंग ली हुई है, ये था इसमें। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि क्या बोला हुआ है इन्होंने पहले, और उसके बाद बताते हैं इसके फुल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे, मूल्यांकन पर 50 छात्र छात्राओं ने दर्ज कराई थी आपत्ति। ठीक है, कितना कम है, देख रहे हैं आप, 50 छात्र छात्राओं ने दर्ज कराई थी आपत्ति, क्योंकि आपत्तियां दर्ज कराने का कोई बेस ही नहीं दिया था। यहाँ पर आपत्ति दर्ज करा कैसे लेते, न तो उन्होंने कोई पेपर क्वेश्चन पेपर दिया। सिर्फ यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जो काउंटिंग स्कोर में किया ना आंसर की से मैच करके अपने नंबर, वो आपसे करवा रहे थे कि आप सही कर पाते हैं नहीं, अगर आपकी उन्होंने गलती कर दी हो तो आप उसको सुधारें। बस उनकी जो काउंटिंग है ना मैचिंग, वो सुधरवाई थी उन्होंने आंसर की देने के बाद करेक्शन में। तो ऐसी आपत्तियां नहीं होती हैं जो कि BEd ने इस बार कराई हैं, बिल्कुल ही गलत तरीका था ये, क्योंकि अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो नहीं कर सकते। तो फिर आपत्ति जब समझ में ही नहीं आ रहा है कि, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि जिनका स्कोर मिसमैच हुआ होगा, 50 लोग वही होंगे जिनका स्कोर मिसमैच हुआ है। हमने भी अपने वीडियो में यही बताया कि ज़्यादातर बच्चों को, कि अगर आपका स्कोर मिसमैच है तभी आप आपत्ति करें, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं आपत्ति करने का, क्योंकि कोई बेस था नहीं। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है कि 21 मई को BEd की राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद मूल्यांकन पर 50 छात्रियों ने कराया था। यहाँ पर ये मेन चीज़ क्या है, 23 मई को आपत्तियाँ ली गई थी, यहाँ पर ये बात बोल रखी है, जारी रैंक हो सकती है। यहाँ पर दिखा हुआ, देखो, आपत्ति निस्तारण के बाद मंगलवार को रात तक परीक्षार्थियों की रैंकिंग जारी हो सकती है, 1 जून को काउंसलिंग प्रस्तावित है। देखिए, यहाँ पर 1 जून को प्रस्तावित है, अगर आज रिजल्ट जारी हो जाता है तो 99% चांस रहेंगे कि 1 जून से प्रस्तावित हो जाएगा। अगर आज नहीं होती है जारी तो इसका मतलब यहाँ प्रोसेस फिर कल भी मुश्किल हो जाएगा जारी होना। कि यहाँ पर लिखा हुआ है, BEd प्रवेश परीक्षा के मूल्यांकन में प्राप्त अंकों के निस्तारण के बाद मंगलवार देर रात तक रैंकिंग जारी की संभावना है। देखिए, यहाँ पे संभावना जताई जा रही है, 100% शुरू कुछ भी नहीं है। 1 जून से BEd की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ये प्रोफेसर BR कुकरेती, राज्य समन्वय BEd प्रवेश परीक्षा के जो लीडर बनाए गए थे, तो ये बता रहे हैं इन चीज़ को। ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ सेम दे रखी है, इसमें देख लेते हैं, देखिए ये सब कुछ वही दे रखा है। यहाँ पर अगर इस बात करें कि दैनिक जागरण वाले क्या लिख रहे हैं, इन्होंने बताया है कि 5,66,400 अभ्यर्थियों ने प्रदेश के BEd कॉलेजों में दाखिला के लिए परीक्षा दी थी। ठीक है, अब उसने इन्होंने लिखा हुआ है, 15 अप्रैल को हुई थी परीक्षा, इसमें 6,09,000 पंजीकृत थे, 6,09,209 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया था लेकिन एबसेंट रहे इस वजह से। तो ये थी आज की रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं हम कि आपका जो मैंने पहला जो टॉपिक बताया था मैंने, वो था कितने कॉलेज लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बता देते हैं सबसे पहला कि जो कॉलेज लॉक करने की लिमिट है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, आप चाहेंगे तो कितने भी कॉलेज मतलब कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा बिल्कुल तरीके से है कि आप BEd करनी ही करनी है, तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज लॉक करेंगे। ठीक है, और आप लोग कुछ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अगर पास मिला तो करेंगे, देखिए अपने ऊपर डिपेंड करता है हमारी इच्छा क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास का मिले तब हम BEd करेंगे, तो फिर आप अपने पास के भरेंगे। ठीक है, इसके बाद भी, क्योंकि ये सबके ऑप्शन नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के ये होते हैं। ठीक है, अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं। कुछ लोगों का मानना ये होता है कि नहीं, हमें तो BEd करना है और गवर्नमेंट से करना है, अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं और कहीं भी मिल जाए गवर्नमेंट,
तो फिर वो हमारे हिसाब से, जैसे मैं बताऊंगा गवर्नमेंट कॉलेज का, आज हो सकेगा तो पीडीएफ बना के डाल दूंगा कि किस तरह से आपको चॉइस भरनी है, नहीं तो वीडियो में मैं बता दूंगा कि सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज कौन से किसको चूज करने हैं, अगर वो चाहता है कि हमें गवर्नमेंट ही लेना है कहीं भी मिले, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों के नंबर्स कम आए हैं और वो चाहते हैं कि हमें प्राइवेट भी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, तो उनके लिए बता दूंगा। या फिर वो चाहते हैं अच्छा प्राइवेट मिले, या फिर कुछ लोग ऐसे चाहते हैं कि हमें स्कूल ज़्यादा ना जाना पड़े, मीन्स हर पहलू पर सोचने के बाद हर फैक्ट को बताऊंगा मैं अपनी वीडियो में, ठीक है। उसके बाद एक बात और कर लेते हैं, आज जो रैंक और रिजल्ट जारी होगा उसमें कोई दोहराए नहीं है, अगर रात तक कर दिया गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता है तो कल तक उम्मीद है पूरी पूरी हो जाएगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए, जैसे ही रिजल्ट आएगा हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे और आपको रिजल्ट भी बता देंगे किस तरीके से देखना है और किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। सारी प्रक्रिया क्या होती है रिजल्ट देखने की, हमने बताया था, जैसा ही आप upbed2019.in खोलेंगे, क्या खोलेंगे, upbed2019.in, ठीक है, .in खोल लेंगे। उसके बाद आपको वही जो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद चार ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा एप्लीकेंट डिटेल, प्रिंट एप्लीकेशन, तीसरा आता है आपका स्कोर कार्ड, ग्रीवेंस भी चल रहा है अभी चौथा, और पांचवा वहीं से आ जाएगा रिजल्ट का, रिजल्ट रैंकिंग या काउंसलिंग करके ऑप्शन और खुल जाएगा, वहां से आप इजीली रिजल्ट देख पाएंगे अपना, ठीक है। नहीं तो मैं अपनी वीडियो में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप क्लिक कर देना, वैसे आप सीधे रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कितनी रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। तो देखिए पहला जो दिन होता है 1 से 25,000 तक बुलाए जाते हैं स्टूडेंट, रैंकिंग जिनकी एक रैंक से लेकर 25,000 रैंक तक जिनको रैंक मिली हुई है उनको फर्स्ट डे बुलाया जाएगा, और फर्स्ट डे में जो हमारी 10,000 सीटें हैं वो फुल हो जाती हैं, इनमें से कोई भी सीट बाकी नहीं रहती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कराने के बाद भी कुछ लोगों का मन बदल जाता है किसी कारणवश या कोई रीज़न हो सकता है, मेनली बहुत बड़ा रीज़न होगा तो वो लोग छोड़ देते हैं, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी हमें दूसरे जो बच्चे होते हैं जिन्होंने प्राइवेट लिया हुआ उनको भी फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन उन्होंने काउंसलिंग ना कराई हो, अगर काउंसलिंग करा चुके हैं तो उन्हें प्राइवेट ही मिलेगा, लेकिन हम बताएंगे उसका प्रोसेस क्या है आगे भी। हाँ, दूसरी चीज़ बात करेंगे कितने तक मिल जाएगा गवर्नमेंट, तो यहाँ देखने को ये मिलता है कि लगभग अगर आपकी रैंक 12,000 या 13,000 तक है, ठीक है, तो आप गवर्नमेंट रैंक मतलब गवर्नमेंट कॉलेज के पूरे पूरे चांसेस होते हैं आपको गवर्नमेंट मिलेगा। हाँ, मिलने को हम बता दें यहाँ 15 तक चला जाता है, लेकिन अगर आपके 13 तक है तो आपके बहुत चांसेस हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और जिनके 12,000 हैं उनके तो पूरे पूरे चांसेस हैं, बाद के 1,000 के थोड़े कम होते हैं, लेकिन 15,000 के थोड़े और कम होते हैं, लेकिन 15,000 तक मिल जाता है कभी कभी, वो डिपेंड करता है आपने कॉलेज किस तरह से फिल किए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है इसमें कि जो बॉय और गर्ल दोनों होते हैं ना, अब इसमें 50-50% कोटा भी होता है इस तरह का, शायद किसी को ध्यान हो इस चीज़ का, बहुत कम जिक्र करते हैं इस चीज़ का लोग, मतलब 50% बॉय होंगे तो 50-50% गर्ल, मतलब जिस सीटें होंगी उसका आधा बॉय होंगे और आधे गर्ल होंगे, तो यहाँ पर जो गर्ल की वजह से यहाँ पर कह सकते हैं गर्ल का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम जाता है, तो गर्ल को और थोड़े कम तक मीस हम कह सकते हैं, जिनका 15,000 तक रैंक है उनको भी पूरी तरह से कह सकते हैं कि रैंक मिलने के पूरे पूरे चांसेस होंगे गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए और इजी रहेगा इस चीज़ के प्रोविस, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कुछ नॉलेज आपके लिए, अब हम ऐसे वीडियो आपके लिए लेते आते रहते हैं और आते भी रहेंगे आपकी हेल्प के लिए। यहाँ पे हम अपना कोर्स भी स्टार्ट करेंगे बीएड का, जैसे ही हमारे सेमेस्टर स्टार्ट होंगे, जैसे ही बैच स्टार्ट होंगे हम बताएंगे किस तरह से तैयार करनी है, सिलेबस क्या है, क्योंकि हमने जो अपने जो टेट निकाला हुआ है, हमने तो सब कुछ किया हुआ है, टेट सीटेट वगैरह, तो जो टेट है हमारा वो 121 मतलब 121 क्वालिफाइंग एक नंबर से किया हुआ है, तो हम आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, हम आपको बताएंगे कि आगे कैसे प्रोसेस है। हमने जो BTC कॉलेज है था या BEd किया हुआ है उनमें मात्र लास्ट के 15 से 20 दिन आपको पढ़ना होता है अच्छी तरीके से, वो 15 से 20 दिन कैसे पढ़ना है वो चर्चा भी हम कर लेंगे आगे, अपने YouTube वीडियो ऐसे ही डालते रहेंगे और आपकी हेल्प करते रहेंगे। तो दोस्तों अब मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।